Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. क्या आप जानना चाहते हैं अल्लामा इकबाल इकबाल से शायरे मशरिक कैसे बने? एक मैं मांग के बताता हूँ अल्लामा इकबाल का, किसने उनसे पूछा था, उसको सुनने के बाद जब मैंने सुना था, ये बुक्स में मैंने पढ़ा था, इसमें एक चेंज आया था मेरे अंदर। ये जो इमेज है इकबाल का आपकी लाइफ चेंज कर देगा, परसेप्टिव चेंज कर देगा आपका। किसी ने अल्लामा इकबाल से पूछा आपको रुतबा कैसे मिला है, किमुल उम्मत शायर मशरिक, तो अल्लामा इकबाल ने कहा तुम जानना चाहते हो ना जी, लेकिन एक शर्त है। उस शख्स ने पूछा क्या? मेरी जिंदगी में ये वाकया किसी को नहीं बताना। तो काफी हैरान होता है शख्स, तो बोलता जी सही है। आप फरमाते कि मैं पहले भी लिखता था लेकिन मेरे कलम में तासीर नहीं थी, मैंने किसी बुक में पढ़ा था और मैंने अपनी जिंदगी में गिन कर सरकारे दो आलम नबी आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक करोड़ बार दर्श पढ़ा। उस दर्श पढ़ने के बाद मेरे कलम में तासीर पैदा हो गई, जो भी मैं लिखता था बहुत मकबूल होता था वो, यहाँ तक मैं इकबाल से आगे बढ़ता गया और शायर मशरिक बन गया। उसके बाद उन्होंने एक सेंटेंस बोला, मतलब हो सकता है काफ़ी लोगों ने सुना नहीं होगा वो, मैं मालूम भी नहीं होगा। उन्हें कहा था अगर मैं मजीद दर्श पढ़ता तो शायर मशरिक के साथ साथ में शायर मगरिब भी होता। दरुशे की बहुत अहमियत है एज अ मुस्लिम, अगर इस पर किताबें लिखी जाएं और हमारी जिंदगी ख़त्म हो सकती हैं, कलम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दरुशे की जो फजीलत है वो ख़त्म नहीं हो सकती है। जिंदगी में और दिन में कुछ ना कुछ टाइम ऐसा हो कि इंसान कुछ दरुशे पढ़ने लग जाए। इसमें इस इवेंट के बाद मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था और मैंने बेहद किया था कि मैं भी अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा इसमें ज़रूर दूँगा। मेरी आपसे भी एक पैसे है।